हर साल 31 मई को विश्व तंबाकू निषेध दिवस यानी वर्ल्ड नो टोबैको डे मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का उद्देश्य तंबाकू की वजह से स्वास्थ्य को होने वाले नुकसान के बारे में जागरूकता फैलाना है। इसी श्रृंखला में मध्य भारत के सुप्रसिद्ध HCG कैंसर सेंटर में जन जागृति पर कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। तंबाकू के खतरनाक स्वास्थ्य प्रभावों एवं उनसे होने वाली जो भी समस्या है उसे जागरूकता लाने के लिए आज जो है 31 मई को जो है वर्ल्ड नो टोबैको डे मनाया जाता है। और इसी के साथ जो है शहर के SCG कैंसर सेंटर में भी कई तरह के कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है जन जागृति के लिए। हमारे साथ SCG के CEO है, उनसे हम जानेंगे कि आज 31 मई के लिए क्या स्पेशल किया गया था SCG की ओर से। अच्छा, थैंक यू। May 31st पूरा दुनिया में नो टोबैको डे बोल के सेलिब्रेट किया जाता है। इसका मतलब ये सेलिब्रेशन नहीं है, एक्चुअली इट्स ए अवेयरनेस डे। तो दुनिया में टोबैको का यूज़ बढ़ते हुए देखते हुए WHO ने ये डे को वर्ल्ड कैंसर अवेयरनेस डे वर्ल्ड नो टोबैको डे घोषित किया गया। इसका मेन उद्देश्य है, तो आपको ये प्रूवन है टोबैको खाने से कैंसर होता है ऑलमोस्ट ऑल 60% व्हेन कंपेयर टू ए रेगुलर पर्सन जो टोबैको को यूज़ नहीं करते हैं, उसी में कंपेयर किए तो 60% जो पर्सन टोबैको खाते हैं तो कोई टोबैको का डेरिवेटिव्स एनी काइंड ऑफ टोबैको यूज़ करता है उसमें कैंसर होने का संभावना है। तो इसी में क्या प्रॉब्लम है, हम एज ए कैंसर हॉस्पिटल हम ये देख रहे हैं पुराना दिनों में थोड़ा एज बढ़ने के बाद 40-45 ईयर्स के बाद ही हम तंबाकू के यूज़ करने से कैंसर देखते थे। बट आजकल यंग पीपल में भी, मे बी अ फीमेल मेल, हर एक लोगों में कैंसर ज़्यादा हो रहा है। तो इसका मेन उद्देश्य क्या है, अभी हमारा सोसाइटी में जो लड़का जो लोग हैं मे बी इन रूरल एरियाज एंड इवन एडुकेटेड फैमिलीज आल्सो जो तंबाकू सेवन अर्ली एज से शुरू कर रहे हैं, इसका ये ये हो रहा है बिकॉज ऑफ तंबाकू, ये बैड इफेक्ट ये लोगों के ऊपर दिखाया जा रहा है। तो हम पता रहता है कि तंबाकू से कई मतलब परिणाम जो है हमारे बॉडी पर होते हैं, लेकिन फिर भी लोग जो है तंबाकू का सेवन करते हैं वो कौन से भी मतलब वे में हो, चाहे वो सिगार के वे में हो। हम अभी देख रहे हैं कि परफ्यूम में भी निकोटीन पाया जाता है। तो इन सब के लिए अवेयरनेस के लिए SCG की ओर से आज नो वर्ल्ड टोबैको डे के अवसर पर क्या किया गया है। तो ये टोबैको में क्या ज़्यादा से ज़्यादा जो एडिक्टिव करने वाला है निकोटीन, ये निकोटीन खाने से एक लत लग जाती है, लोगों उधर से बाहर आने में बहुत मुश्किल हो जाता है। इसीलिए हम क्या किया, आज हमारा जो पेशेंट्स हमारे पास आता है एंड पूरा बेनिफिट ऑफ नागपुर, हमने एक स्किट क्रिएट किया है हमारा थ्रू आवर डॉक्टर्स एंड नर्सेस। उसी में ये बताया गया पहले ये लत कैसे लग जाता है, इसमें पहले एंटरटेनमेंट के लिए यूज़ स्टार्ट किया जाता है एंड उसके बाद एडिक्ट हो जाता है, लोग बाहर आ ही नहीं पाते। तो इसी के लिए फर्स्ट हाउ वी नीड टू बी अवेयर ऑफ व्हाट काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स वी आर यूजिंग एट अर्ली एज, एक मेन इंपॉर्टेंट है। एंड सेकंड, कभी भी किसी को ये लत लग भी गया बट उसको हम कैसा इसको विमुक्त कर सकते हैं, एज ए क्लिनिकल लैंग्वेज में ये है जो डॉक्टर फर्स्ट काउंसलिंग से कर सकता है एंड उसके ऊपर ट्रीटमेंट भी है विथ गिविंग सम काइंड ऑफ ए मेडिकेशन, तो उनको वो थोड़ी दिन के लिए हम दूर कर सकते हैं। बट इन दिस जो पर्सन है उनका विल पावर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उनको ये मन में आना चाहिए मुझे ये छोड़ना है, उसके लिए रास्ते हैं क्लिनिकल ट्रीटमेंट में, बट वो लोगों को विल पावर जरूरत है, उसके लिए पहले काउंसलिंग जरूरत पड़ता है। एंड हमारा ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है सब लोगों को ये अवेयरनेस लेके आए हैं, आप ये जो भी प्रोडक्ट हम कह रहे हैं पहले उसमें चेक करना चाहिए इसी में कुछ तंबाकू और टोबैको का एब्सोल्यूट और डेरिवेटिव्स है कि नहीं। सो जो भी कुछ भी डाउट है, जो भी पदार्थ उसमें टोबैको निकोटिन और एनी काइंड ऑफ दोज डेरिवेटिव्स आर अवेलेबल वो खाना नहीं चाहिए। तो आज जिस तरह से जो भी प्रोग्राम किए गए हैं उसके माध्यम से जो अवेयरनेस किया गया है, SCG हॉस्पिटल जो है, SCG कैंसर सेंटर जो है मध्य भारत का एक सबसे बड़ा कैंसर सेंटर है और यहाँ हमेशा ही जो है यहाँ के जो मरीज़ है मरीज़ों के लिए कुछ ना कुछ किया जाता है, आज के दिन आप क्या संदेश देना चाहोगे? आज के दिन मैं यही संदेश देना चाहता हूँ, देखिए ये तंबाकू एक
खतरनाक पदार्थ है। इसके इस्तेमाल करना फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर एनी फॉर्म एंटरटेनमेंट के लिए थोड़ी दिन के लिए हम अच्छा लगता है, बट उसके बाद ये हो जाता है। सो एक डेरिवेटिव ऐसा है पूरा द यंग जनरेशन के लिए ये बर्बाद कर रहा है। तो इसलिए जो नागरिक हैं, एडुकेटेड पीपल हैं, मैं इससे दरख्वास्त करना चाहता हूँ, कभी आपका फैमिली में भी, आपका सामने और आसपास में कोई भी तंबाकू का सेवन कर रहे हैं आप देखे, वही समय पे उनको मना कीजिए, सख्त मना कीजिए, ताकि उनको ये कभी मन में नहीं आया। एंड हमको इसका तंबाकू का ऊपर एक विजिलेंस लेकर आना चाहिए, इसको हमेशा पूरा हमारा कंट्री से ही इसको निकालना चाहिए, इसको कल्टीवेशन भी करने का बैन करना चाहिए गवर्नमेंट, जो हमेशा ये टॉपिक रहा गया इसको कैसे बैन किया जाए, जो उसी जगह पे व्हाट आर द अल्टरनेटिव्स आर देयर अवेलेबल टू द फार्मर्स, उसको गवर्नमेंट देना चाहिए। एंड हम रियली एडवोकेट करते हैं इंडिया में टोबैको कल्टीवेशन बैन होना चाहिए। तंबाकू के बढ़ते इस्तेमाल के कारण कैंसर जैसी घातक बीमारी भी तेजी से फैल रही है। हर साल 31 मई को तंबाकू निषेध दिवस होता है। इस दिन वैश्विक स्तर पर तंबाकू के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूकता फैलाने का प्रयास किया जाता है और HCG कैंसर सेंटर भी हमेशा अपने द्वारा लोगों में जागरूकता निर्माण करने में अग्रसर रहता है। इस बार भी HCG कैंसर सेंटर की ओर से पहल करते हुए नाटिका के माध्यम से जागरूकता की गई। NBC न्यूज के लिए अजीत कुंवर के साथ क्षितिजा देशमुख की रिपोर्ट। 31 मई वर्ल्ड नो टोबैको डे के रूप में मनाया जाता है। ये क्यों मनाया जाता है? क्योंकि तंबाकू का उपयोग कम हो इसके अवेयरनेस के लिए ये डे मनाया जाता है। साथ ही HCG कैंसर सेंटर, जो मध्य भारत का सबसे विश्वसनीय और एकमात्र ऐसा सेंटर है जहाँ कैंसर रिलेटेड सभी प्रॉब्लम्स को जो है बहुत ही अच्छे तरीके से हैंडल किया जाता है। यहाँ के जो डॉक्टर्स हैं, यहाँ के स्टाफ हैं, उनसे हम जानेंगे कि क्या आज के दिन HCG कैंसर सेंटर में जो है मरीजों के लिए विशेष तौर पर क्या किया गया है, कौन से कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है, क्योंकि हर बार जो है HCG कैंसर सेंटर कुछ ना कुछ कार्यक्रमों का आयोजन करता ही रहता है। क्या बताओगे सर? मेरा नाम डॉक्टर सुशांत दिखार है, मैं मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट हूँ। देखिए, तंबाकू जो है विश्व में सबसे ज़्यादा मौतें जो होती है जिसे हम रोक सकते हैं, वो उसमें सबसे ज़्यादा नंबर वन का कारण है तंबाकू। तंबाकू से सिर्फ ना कैंसर होते हैं, 12 टाइप के कैंसर होते हैं, जिसमें फेफड़े का कैंसर, मुंह का कैंसर, पेट का कैंसर, ब्लैडर का कैंसर यानी कि पेशाब की थैली का कैंसर, किडनी का कैंसर और कुछ ब्लड के कैंसर भी इसकी वजह से होते हैं। इसके अलावा दम जो COPD यानी कि फेफड़े की बीमारी, दिल की बीमारी भी इससे होती है। ये सब अगर हम तंबाकू का सेवन ना करें तो ये इतनी सारी कैंसर से होने वाली बीमारियां, हृदय रोग की वजह से होने वाली बीमारियां, फेफड़े की वजह से मौत से होने वाली बीमारियां हम रोक सकते हैं। इसके लिए हम लोग पेशेंट जिनको इनकी लत लग गई है, टोबैको की लत लग गई है, इसके लिए डी एडिक्शन और पेशेंट जिनके कैंसर हम लोग अर्ली स्टेज में डिटेक्ट कर सके, इसके लिए हम लोग काफ़ी सारे प्रोग्राम कंडक्ट करते हैं। अगर किसी भी पेशेंट को इसकी तंबाकू से होने वाली बीमारी के बारे में जानकारी चाहिए तो उसके लिए भी हमारे हॉस्पिटल में एक अलग से सेंटर है। तो इससे रिलेटेड कोई भी जानकारी या आपको स्क्रीनिंग के बारे में जानना है तो इससे हम हमारे हॉस्पिटल में आ सकते हैं। सबको पता है, हर किसी को पता रहता है कि कैंसर जो है तंबाकू खाने से कैंसर हो सकता है या अन्य भी बीमारियां तंबाकू से हो सकती है, लेकिन फिर भी लोग जो है तंबाकू का सेवन करते रहते हैं। ऐसे में आप एक डॉक्टर के तौर पे क्या बताना चाहोगे? देखिए, अच्छा अगर आपको रहना है तो तंबाकू और अल्कोहल दोनों का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और अगर आपको इसकी लत है तो इसकी लत छुड़वाने के लिए निकोटिन रिप्लेसमेंट थेरेपी, तंबाकू की लत छुड़वाने के, स्मोकिंग की लत छुड़वाने के लिए निकोटिन रिप्लेसमेंट थेरेपी, काउंसलिंग इसकी ज़रूरत होती है। ये एक प्रक्रिया है, एक दिन का या एक बार आके ये पूरा नहीं होता, इसके लिए रिपीटेडली डॉक्टर को मिलना पड़ता है। तो अगर आपको स्वस्थ जीवन चाहिए तो तंबाकू छोड़ना पड़ेगा और इसके लिए आपको सलाह लेनी पड़ेगी। जैसे आपने बोला कि ये लत है, लत भी छोड़ सकते हैं, तो इसके लिए क्या बताना चाहोगे? कई मतलब मरीज होते हैं जो इससे परेशान रहते हैं, उन्हें तंबाकू का सेवन छोड़ना होता है लेकिन सही राह नहीं मिलती है। तो HCG सेंटर जो कैंसर सेंटर है, उनके द्वारा कौन से ट्रीटमेंट यहाँ पे है? देखिए, यहाँ पे हमारे यहाँ पे
जो है मेहता मैडम है वो इसके रिलेटेड पेशेंट की काउंसलिंग करती है। इसमें एक ट्रीटमेंट आती है जिसे कहते हैं निकोटीन रिप्लेसमेंट थेरेपी। आपने टीवी पे ऐड भी देखी होगी निकोटीन च्युइंग गम्स और निकोटीन नेजल स्प्रेस और इस प्रकार के अनेक ट्रीटमेंट आती है। इसके साथ में काउंसलिंग बहुत एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। सिर्फ गोलियाँ लेने से वो इसकी लत नहीं छूटती है। पेशेंट को हर महीने हर 15 या 20 दिन में जैसे डॉक्टर को जरूरी लगता है बार बार आना पड़ता है, लेकिन एक समय आता है जैसे पेशेंट दिन में अगर 10 सिगरेट पीता है तो फिर आगे जाके उसे कम करके 5 सिगरेट फिर 2 सिगरेट फिर 1 सिगरेट उनको बार बार मोटिवेट करना पड़ता है। इसके अलावा सपोर्ट ग्रुप्स रहते हैं जिन लोगों ने लत छोड़ चुके हैं या जिन लोग उनके जैसी सपोर्ट समस्या का सामना कर रहे हैं तो उनके साथ में बिठा के बार बार काउंसलिंग करने के बाद ये जरूर छूट सकती है। तंबाकू सेवन से होने वाले परिणाम हम सभी जानते हैं, इसके बावजूद भी तंबाकू का सेवन जो है किया जाता है, तंबाकू का उपयोग किया जाता है और इस लत को छोड़ने के लिए कई बार प्रयास किए जाते हैं लेकिन प्रयास असफल होते हैं। लेकिन जिन्हें भी इस तंबाकू की लत से छुटकारा पाना है वो SCG कैंसर सेंटर आकर अपनी लत को छुड़वा सकते हैं। और आज जो है 31 मई है, 31 मई को वर्ल्ड नो टोबैको डे मनाया जाता है और इसी अवसर पर SCG कैंसर सेंटर की ओर से अवेयरनेस किया गया और विविध कार्यक्रमों का आयोजन कर मरीजों में जो है इसके प्रति अवेयरनेस किया गया है। कैमरा पर्सन अजीत कुंवर के साथ मैं क्षितिजा देशमुख, BCN न्यूज़ नागपुर।